3, 2, 1, go. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, ये टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे सवाल थे कि कौन करेगा ओपनिंग, और रोहित शर्मा को ये मौका दिया गया था, किस तरीके से उनका बल्ला बोलेगा, किस किस्म की एक परीक्षा ये रहेगी, और बिल्कुल ये सबको शांत कर दिया। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल रोहित के बीच में 300 रनों की साझेदारी, दोनों इनिंग में शतक, पहली इनिंग में मयंक अग्रवाल द्वारा दोहरा शतक, रोहित ने शानदार तरीके से 176 रन पहली इनिंग में बनाए, 127 दूसरी इनिंग में, तो पूरे नंबर से पास हुए। भारतीय टीम के बहुत सारे पॉजिटिव थे, एक साल के बाद लगभग रविचंद्रन अश्विन वापसी कर रहे थे, पहली इनिंग में 7 विकेट, जडेजा ने जिस तरीके से दूसरी इनिंग में गेंदबाजी की शानदार अंदाज उनका था, मोहम्मद शमी इस धीमी गति की विकेट पे भी 5 विकेट निकालना, सेकेंड इनिंग में भारत को मुकाबला ये जिताना दर्शाता है कि कितना क्लिनिकल परफॉर्मेंस ये रहा। भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त ले ली है, आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में दबाव जो है वो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर रहेगा, और मजे की बात ये टेस्ट चैंपियनशिप का साल है, 40 अंक भारतीय टीम ने अपनी किटी में डाल लिए हैं।